क्यों भाई विकास? यस हौसले जवान है? थोड़े थोड़े पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। सो इस्लामाबाद से अर्ली निकलो और पहुंचो हरिपुर। हरिपुर से एबटाबाद के दरमियान ट्रैफिक थोड़ी रफ होती है, तो गाड़ी या बाइक तेज़ लेकिन एहतियात से चलाना। बस फिर मानसेरा की बल खाती हुई रोड से होते हुए पहुंचो बालाकोट। और हाँ, बालाकोट से फ्यूल लाजमी डलवाना। बस फिर कुन्हार रिवर के साथ साथ वादिय कागान के हसीन नज़ारे इंजॉय करते हुए पहुँचना नारान। नारान से स्नैक्स, खाने की अशिया और हाँ पानी लाजमी लेना। तो नारान से दूधीपत जाने के दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन के बेसल्स नाइट स्टे करो और नेक्स्ट डे 5 से 6 घंटे की हाइक करके पहुंच जाओगे मूला की बस्ती, यहाँ कैंप करो और उससे नेक्स्ट डे 1 से 1.5 घंटे की हाइक करके पहुंच जाओगे दूधीपत। एडवेंचर्स है ये। तो था दूधीपत जाने का कन्वेंशनल रास्ता जो कि ज़्यादातर ट्रैकर्स फॉलो करते हैं, इस जबकि दूसरी ऑप्शन बेसल्स है गिटीदास से बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप का जो लास्ट टर्न है उससे पहले राइट साइड पे कच्चा रोड अंदर की तरफ जाता है संबकसर धर्मासर से होते हुए गाल वैली। गाल वैली से 3 से 4 घंटे की हाइकिंग है। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, एडवेंचरस है काफ़ी, लेकिन बहुत रिवार्डिंग है। इस रास्ते की ख़ास बात कि इस रास्ते में दूधीपत के अलावा 5 और झीलें देख सकते हो। हाई एल्टीट्यूड की वजह से बाइक मिसिंग कर सकता है, तो अगर बाइक मिसिंग कर रहा है तो बाइक साइड पे लगाओ, फिल्टर निकालो और दोबारा बाबू सर की तरफ चल पड़ो। हम बाबू सर से आगे संबक सर की तरफ जा रहे हैं। शाम का वक्त है, डर भी लग रहा है, लेकिन टीम बहुत फिट है यार। ये अल्लाह खैर करें, यहाँ पर सुना बहुत वारदातें होती हैं, अल्लाह ताला किसानों के पैसे महसूस फरमाई हमें। इस पर सही मायने में डर लग रहा है। 15 से 20 मिनट की रोशनी रहती है, मगरिब का टाइम होने वाला है, वो सामने वो घाट खड़ा है। तो यहाँ पे तो रास्ते तकसीम हो रहे हैं, किस साइड पे जाना है और पता नहीं ये रास्ता जाता है कौन सा रास्ता जाता है, मैप से देखना पड़ेगा। बच्चा टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है भाई, हम लेट हो गए। लेकिन रास्ता इधर तक है, लेकिन रास्ता देख लेफ्ट साइड का है, वो ठीक है, लेकिन रास्ता लेफ्ट जाना राइट जाना ये तो लग रहा है। एक
संभव सर, लेकिन अभी अंधेरा बहुत हो रहा है, हम इधर नहीं जा सकते, हमने आगे गाल वैली जाना है। आ जाओ भाईजान, वो रास्ता भी इधर ही आके निकला है। चलो ये चढ़ाई मुश्किल होगी। कोई आबादी के साथ नज़र आ रहे हैं, उम्मीद है कि आगे आबादी होगी, आगे जो भी आबादी वहाँ पे रुकेंगे। विकास कहाँ रह गया,